मैं मारुफ इम्तियाज अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। चलिए ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये होगा और थर्ड पार्ट ये होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग इंट्रोडक्शन, बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या है उसके डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस के बारे में उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसमें क्या पेनिट्रेटिंग पावर होता है, क्या आयनाइजिंग पावर होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उस वजह से मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। तो लेट्स बिगेन आवर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या हैं, आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में दो वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, तो रेडियो न्यूक्लियाइड और फार्मास्यूटिकल्स। ये दो वर्ड्स जो होते हैं ये मिलकर क्या बोलते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। तो रेडियो न्यूक्लियाइड और फार्मास्यूटिकल्स क्या रिलेटेड, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का डिफिनेशन क्या है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में है जैसे कि रेडियो न्यूक्लियाइड जो है वो बोलते हैं बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि अनस्टेबल होते हैं और हमेशा क्या करते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में अपने मास को इमिट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं स्टेबल स्टेबिलिटी को, मतलब एक स्टेबल पोजीशन गेन करने के लिए। क्लियर है बात को। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स लैब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं दवा बनाने में या फिर किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करने में, अल्फा बीटा गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ के स्टडी को क्या बोलते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। क्लियर है बात को। चलिए ये इंट्रोडक्शन कवर हो गया हमारा पार्ट। हम बेसिकली फोकस क्या कर रहे हैं, हमको समझना है, लिखने वाला काम सारा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बात समझ में आ रही है। तो हमको बेसिकली समझना है कि हम लोग पढ़ किस ले रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फोकस आपको समझने पे ज़्यादा करना है, लिखने वाला काम आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई, बात वही आ गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पसंद मेरा, तो एक ऐसा अनस्टेबल सब्सटेंस जो बार बार अपने मास को घटाता है एक स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। समझ में आ रही है बात को। मान के चलिए कि कुछ एक सब्सटेंस है और उसमें से उसके मास को बार बार वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहा है, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में अपने मास को इमिट्स कर रहा है, निकाल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेडियो एक्टिविटी द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, यानी टूटना, स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार, ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ एटम न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए मोर एनर्जेटिकली स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। क्लियर है बात को। मतलब कि एक स्टेबल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, डिफिनेशन तो आपके बोर्ड पे लिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ वो चीज़ आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, एक स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो बार बार क्या कर रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में अपने मास को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। क्लियर है बात को। और जो वैसा सब्सटेंस जो कि बार बार क्या करे, न्यूक्लियर चेंज करे, मतलब कि वो अपने, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूक्लियर चेंज, न्यूक्लियर चेंज का मतलब क्या समझ रहे हैं, बेसिकली एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे उसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और वही क्या मिलकर बनाता है एटॉमिक मास। तो जाहिर सी बात है अगर जहाँ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन दोनों में कहीं ना कहीं चेंज होगा तो वो क्या चेंज करेगा, न्यूक्लियर चेंज।
क्लियर है बात को, और वो किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियर चेंज लिखा हुआ है। क्लियर है बात को, जो चीज मैंने आपको समझाया है वही चीज यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि जो क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव नेचर में नहीं होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो कोई भी रेडिएशन इमिट्स नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे अपना एक फिक्स एनर्जी को क्या करेंगे, शो करेंगे कि मेरे पास इतना एनर्जी का हमेशा, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट है मेरे पास इतने एनर्जी का, बात समझ में आ रहा है। और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होंगे, हो सकता है कभी वो अल्फा पार्टिकल्स इमिट करे, कभी बीटा पार्टिकल्स इमिट करे, कभी गामा पार्टिकल्स इमिट करे, लेकिन वो जो है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसके पास पर्टिकुलर टाइप का एक एनर्जी है, उसके पास एक फिक्स एनर्जी है, बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होंगे वो क्या होते हैं, स्टेबल कहलाते हैं, और क्या कहते हैं, वो एक अप्रोप्रिएट एनर्जी को दिखाते हैं। क्लियर है बात को, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा और गामा तीनों रेडिएशन है, तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना ही है। तो अल्फा के बारे में देखते हैं पहले, अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, इसको हम लोग हीलियम से जोड़ देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हीलियम बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स, यानी उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर कितने होते हैं, 4, तो सारे के सारे हीलियम वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। क्लियर बात को, तो अब देखें ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को कंपैरिजन हम लोग आखिरी में करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं अल्फा बीटा गामा के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल्स के पास जो होता है लो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, यानी किसी भी चीज को, टिश्यू को पेनिट्रेट करने का, उसके आर पार जाने का पावर बहुत क्या होता है, कम होता है, इनफैक्ट होता ही नहीं है, आप ऐसे समझे। इनको अल्फा पार्टिकल जो है टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, और उसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, +2, क्लियर है बात को। यहाँ पर दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड कैन डिटेक्ट बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा पार्टिकल्स के पास कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दे कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दे हैव 4 एटॉमिक मास यूनिट AMU, क्लियर है बात को। ये सब हीलियम से ही रिजेंबल करेंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा, आसान भाषा में सब समझ में आएगा। हैवी मेटल्स हैव कैपेसिटी टू इमिट सच टाइप्स ऑफ रेज, अल्फा पार्टिकल्स रेज जो है कौन इमिट करेगा, तो वो कौन सब टांस इमिट करते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स आर हैविंग सेम एनर्जी, जाहिर सी बात है अगर आपके पास 10 रुपया है तो किसी भी इंडिया के कोने में जाएंगे तो वो 10 रुपया का वैल्यू 10 रुपया ही होगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है कि ऑल अल्फा पार्टिकल्स हैविंग द सेम एनर्जी, क्लियर बात को। अल्फा पार्टिकल्स कोई भी इमिट करेगा, कोई भी हैवी पार्टिकल्स इमिट करेगा, चाहे यूरेन, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनस्टेबल न्यूक्लाई को शो करते हैं, वो जितने भी मतलब कि यूरेनियम वगैरह होते हैं, तो ये रेडिएशन जो भी शो करेंगे, तो वो जो भी अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट करेंगे, सारे की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अगर अल्फा पार्टिकल है वो कोई भी इमिट्स कर रहा है, कोई भी अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी लेवल सेम होगी। क्लियर है बात को, यहाँ पर लिखा हुआ है द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा रेज इज लेस एज कम्पेयर टू अदर इमिशन, ये टिश्यू को आर पार नहीं कर पाता है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होते हैं, बहुत कम होती है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वही बात लिखी गई कि इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए इसका कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बायोलॉजिकल अप्लीकेशन कोई है ही नहीं, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है Ra, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 88 और एटॉमिक मास कितना है 226। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक एटम है। अब इस एटम का एटॉमिक नंबर देखिए 88 और इसका एटॉमिक मास देखिए 226। अगर ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, ये क्या है अल्फा पार्टिकल, अगर ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है तो ये फिर 88 से इसका दो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर कम हो गया और इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 4 कम हो गया। क्लियर है, एक अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर दिया, असल में आ रहा है। ये भी क्या है, एक एटम है, ये भी क्या है, एक एटम है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट किया तो ये दूसरे एटम में कन्वर्ट हो गया, बात क्लियर है। अब हम देखिए बीटा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में समझ में आ रहा है, एक होता है आयनाइजिंग पावर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्फा बीटा गामा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद से डिस्कस करते हैं। तो पेनेट्रेटिंग पावर तो सबको क्लियर है, टिश्यू को आर पार करने की क्षमता को पेनेट्रेटिंग पावर कहते हैं, ठीक है, किसी भी टिश्यू को पेनेट्रेट करना। अब देखिए यहाँ पर बीटा रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक पॉजिट्रॉन्स, एक होता है निगेट्रॉन्स, जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा उसे क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और जो निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा उसे क्या बोलते हैं निगेट्रॉन्स। क्लियर है बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये बीटा पार्टिकल्स का ही है, लिखा हुआ है दे हैव ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन द अल्फा रेज। अल्फा रेज से क्या होता है, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। अल्फा पार्टिकल्स अगर टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था तो बीटा पार्टिकल पेनिट्रेट कर पाएगा, बस समझ में आ रहा है। और इसके पास मास जो होते हैं नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होता है। बीटा पार्टिकल्स के पास मास नहीं होते हैं, अल्फा पार्टिकल के पास कितने मास होते हैं 4 AMU। क्लियर है बात को। दीज पार्टिकल्स आर यूजली एकॉम्पेंड बाई गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन हैव लेस आयनाइजिंग पावर देन दी अल्फा पार्टिकल्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये तो नीचे वाला लाइन का मतलब यही है कि बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स, देखिए जब बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं नेग्लिजिबल मास के होते हैं और इन पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज़ कह रहा है कि आयनाइजिंग पावर इसमें आया है, बीटा पार्टिकल्स हैव लेस आयनाइजिंग पावर देन द अल्फा पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात आयनाइजेशन कहते हैं किसे, हमारा एक एटम है, एटम के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलते हैं आयनाइजेशन, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं आयनाइजिंग पावर। क्लियर है बात को। तो यहाँ पर दिखा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बीटा पार्टिकल्स हैव लेस आयनाइजिंग पावर देन द अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स और क्या बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स दोनों क्या होते हैं साथ में क्या करते हैं रेडिएशन दिखाते हैं। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गामा रेज, गामा रेज कहते किसे हैं। तो देखिए गामा रेज, अब जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अल्फा को हम लोग दिखा दिए कि हीलियम के रिजेंबल होता है, ठीक उसी तरह जो बीटा पार्टिकल्स थे तो वो पॉजिट्रॉन और निगेट्रॉन, हम लोग जो पॉजिटिव थे उसमें एक निगेटिव थे, ठीक है, तो एक क्या था पॉजिट्रॉन एक था निगेट्रॉन। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गामा रेज की, तो गामा रेज को हम लोग किससे शो करेंगे एक्स रेज से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर होता है अल्फा बीटा पार्टिकल्स से ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसके पास होता है गामा रेज के पास होता है। क्लियर है बात को। ये जो है एक्स रे जैसा कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, इसके पास मास ही नहीं होती है
और चार्ज भी नहीं होता, यानी जीरो चार्ज, मास जीरो, चार्ज जीरो, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लियर बात को? देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है जो वहाँ पर सेकेंड लाइन में लिखा हुआ था बीटा पार्टिकल्स में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा पार्ट, इसके पहले वाले स्लाइड में जो लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर ये चीज़ वही क्लियर कर रहा है। गामा रेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस इंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस अलोंग विद द बीटा पार्ट रेडिएशन एंड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर जब टूटता है, ठीक है, जब टूटेगा तो दोनों साथ में इमिट करेंगे, एक बीटा पार्टिकल्स होंगे तो एक गामा पार्टिकल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? गामा प्रोड्यूस आर डिसइंटीग्रेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टूटता है वो जनरेट करता है बीटा पार्टिकल्स, तो जो बीटा पार्टिकल्स जनरेट कर रहा है साथ ही साथ में उसके क्या निकल रहा है, गामा पार्टिकल्स भी इमिट हो रहे हैं। क्लियर है बात को? गामा पार्टिकल्स क्यों इमिट हो रहे हैं, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन को अचीव करना चाह रहा है। क्लियर है बात को? चलिए, दे आर अनचार्ज एंड हैविंग पुअर आयनाइजिंग पावर, इनके पास पुअर आयनाइजिंग पावर होता है। क्लियर है बात को? अब हम लोग इसको तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तीनों को कंपेयर कैसे करेंगे, एक है अल्फा पार्टिकल्स, एक है बीटा पार्टिकल्स, एक है गामा पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक जो मतलब क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मास होता है, उसके बाद से नेग्लिजिबल मास किसमें होता है, बीटा पार्टिकल्स में, और गामा पार्टिकल्स में होता है नो मास। बस समझ रहा है? इसमें चार्ज का बात करते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स में, बीटा पार्टिकल्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, निगेटिव को क्या बोलते हैं, ये आपको कॉपी में लिखना है। और यहाँ पे फिर हम गामा रेज के बात करते हैं, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, ऐसे आप लोग बनाएंगे और सब एक लाइन से लिखेंगे, पहले लिखेंगे मास, फिर लिखेंगे चार्ज, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर बात करते हैं तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किस में होता है, गामा रेज, फिर उसके बाद से बीटा, फिर उसके बाद से अल्फा। क्लियर है बात को? ठीक उसी तरह आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग ठीक उसका उल्टा हो जाता है पेनिट्रेटिंग का, जस्ट उल्टा। पेनिट्रेटिंग का उल्टा क्या करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज में था तो सबसे कम आयोनाइजिंग पावर किस में हो जाएगा, गामा में। क्लियर है बात को? अब हम लोग सबसे कम आयोनाइजिंग पावर किस में हो जाएगा, गामा में, सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स में। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इस चीज़ को अगर कहीं भूल जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो इसको याद करने का तरीका हम ऐसे बता देते हैं। मेरे पास एक सबसे भारी सब्सटेंस है, जैसे कि एक किलो का बटखरा है मेरे पास, और एक उससे कम है और उससे कम है, एक 100 ग्राम का है, एक 200 ग्राम का है, एक किलो का है। अब बताइए एक किलो के बटखरे से अगर किसी चीज़ को मारेंगे तो वो जल्दी से टूट जाएगा, यानी वो आयोनाइजिंग पावर उसमें क्या है, ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिमूव करवा देगा आउटरमोस्ट सेल से, आउटरमोस्ट ऑर्बिट से। क्लियर है बात को? अगर एक छोटे से बात करें, वो एक किलो का बटखरा है, उसको फेंका जाए तो क्या वो दूर तक जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह 100 ग्राम के बटखरे को फेंका जाए तो वो दूर तक जाएगा, हाँ वो सबसे दूर तक जाएगा। क्लियर है? सेम एनर्जी लेवल से फेंका जाए तो क्या पता चलेगा, एक किलो का बटखरा थोड़ा दूर गया और 100 ग्राम वाला बटखरा ज़्यादा दूर गया, यानी पेनिट्रेटिंग पावर किस में ज़्यादा हो जाएगा, 100 ग्राम वाले में, ठीक है। तो यानी उसके मास तो बिल्कुल जीरो था तो वो क्या, उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा हो गया। इस चीज़ को क्लियर है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो फिर आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग देखिएगा, आप लोग के लिए ही बनाया गया है। चलिए, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो कितना अल्फा बीटा पार्टिकल्स रेडिएशन इमिट्स करवा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्री करवा रहे हैं, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा पार्टिकल्स
जो भी होते हैं उनको मेजर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिटेक्शन एंड फोटोन्स जो होते हैं। फोटोन्स क्या होते हैं? एनर्जी का पैकेट्स होते हैं, ठीक है। जो भी फोटोन्स होते हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं, उसके लिए अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल किए जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मतलब कि हम लोग इसका जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका यूजेस वगैरह वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग मतलब कि तीन तरह का अमेजिंग चैम्बर हो गया, प्रोपोर्शनल काउंटर और जिगर मुलर काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बारे में जो रेजोनेटिविटी का मेजरमेंट है वो किस लिए करते हैं, क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। द मेथड सिलेक्ट फॉर द रेडियो मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एनर्जी इनविजिबिलिटी एंड परमिबिलिटी ऑफ रेडिएशन। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, आपको समझ में आ रही है? देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी हम लोग रेडिएशन, देखिए यहाँ पर जो भी रेडिएशन है वो कितना इनविजिबिलिटी है, उसका कितना एनर्जी लेवल है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि जो भी हम लोग रेडियो एक्टिविटी मेज़र करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, वो सारा का सारा कितना एनर्जी लेवल से वो रेडिएशन को इमिट्स कर रहा है, सारा का सारा उसी पे डिपेंड होता है। क्लियर है बात को? एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये कितना एनर्जी से रेडिएशन को इमिट्स कर रहा है, बात समझ आ रहा है, और कितना उसमें विजिबिलिटी है इनविजिबिलिटी है उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बात समझ आ रहा है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग गैस आयनाइजेशन डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तीन तरह का डिवाइस है, पहला क्या है, आयनाइजिंग चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और जिगर मुलर काउंटर। ये जो जिगर मुलर काउंटर जो है इसमें हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम लोग ने भी पढ़ा था तो इसलिए इसमें जिगर मुलर काउंटर के बारे में हमने आप डिस्कस किया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो गैस आयनाइजेशन डिवाइस, पहले हम क्या पढ़ेंगे लोग, आयनाइजेशन चैम्बर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। ये बहुत शेप साइज का होता है, रेंज तो हर एक चीज़ में होती है, इसमें भी है। क्या होता है, ये वेरियस शेप एंड साइज के अवेलेबल होता है। इसमें क्या होता है, गैस फिल होते हैं, इसमें एक टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक, और जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो जाता है उसी को मेज़र करने में जो हम लोग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या होते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं। इस चीज़ को हम मतलब कि फिगर से देख के अच्छा से समझ सकते हैं, फिगर भी है इसमें, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग आयनाइजेशन चैम्बर पढ़ रहे हैं, एक तरह का डिवाइस है जिसमें हम लोग गैस को फिल कर देते हैं, ठीक है, और इसमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को आने के लिए जगह छोड़ देते हैं। जब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आएगा तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो गैस के आउटर मोस्ट सेल में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाएगा, आयनाइजेशन करवाएगा, ठीक है। जब आयनाइजेशन करवाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का फ्री होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो कैथोड्स वो क्या करेगा, मूव करेगा, तो मूवमेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा तो हम डिटेक्ट करेंगे कितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि एनोड पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है, पसंद आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन जो भी प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड के पास, और एनोड से मूव करके वो सर्किट के थ्रू कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, और ये एनोड और कैथोड के बीच में एक डिवाइस लगा देंगे जिस डिवाइस का नाम क्या होगा आपका, आयनाइजेशन चैम्बर। क्लियर बात को, आयनाइजेशन चैम्बर
उस डिवाइस का नाम होगा। अब ठीक उसी तरह प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोपोर्शनल काउंटर है क्या? ये एक तरह का मॉडिफाइड आयोनाइजेशन चैम्बर है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, उसमें कैथोड इलेक्ट्रोड दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स थे। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है, वो फिगर से देख करके हम लोग पता करेंगे, ठीक है। और इसमें प्रोपोर्शनल काउंटर क्यों कहा गया है, बात को समझिएगा। जब थोड़ा सा डिफरेंस है और नाम में भी डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कुछ अलग था, तभी इसको डिफरेंस अलग हेडिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर में बेसिकली ये है कि अगर जो भी आयनाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, वही ट्यूब है मेटेलिक ट्यूब है, जो भी मेटल का ट्यूब है उसमें गैस भरा हुआ है, और वो गैस का इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहे हैं वो क्या करेंगे, अगर वो फ्री हो रहे हैं तो वो दूसरे को फ्री करवाएंगे, वो भी दूसरे को फ्री करवाने में जुट जाएंगे। बस हमारा तो पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, वो सब के सब किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का फ्री होना। जब वो फ्री हो रहा है तो दूसरे को भी कराएगा, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, वो भी मदद करने लगेगा, आयनाइजेशन में हेल्प करने लगेगा। वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर ईच प्राइमरी इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड मच मोर एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स गेट लिबरेटेड। जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लिबरेट होगा, यानी वो एटम से बाहर निकलेगा, तो उसके साथ साथ क्या होंगे, बहुत सारे एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लिबरेट होने लगेंगे। अब वो क्या होंगे, जब जाहिर बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ज़्यादा मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा, क्लियर बात का। और जब जाहिर सी बात है ज़्यादा रेंज, जब ज़्यादा रेंज डिफरेंस हो जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज रेंज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। देखिए ये आप लोगों को फिगर दिख रहा है, ये दो फिगर है, ये पहला वाला जो है वो आयनाइजेशन चैम्बर का है, ऊपर लिखा हुआ है, और उसके बगल वाला क्या है, डिटेक्टर ऑफ रेडिएशन बेसिस स्कीम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या है, क्या है, प्रोपोर्शनल काउंटर है। देखिए दोनों में कुछ डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पहले आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में समझ लीजिए, फिर आप उसके प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में समझिए, ठीक। ये हमारा मेटेलिक सिलेंडर है, देखिए इसमें दो कैथोड और इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड है, दिख रहा है, ये पॉजिटिव है एनोड और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, क्या है, कैथोड, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या, अल्फा बीटा पार्टिकल जो है वो इंड विंडो से इंटर करेगा, लेकिन गामा पार्टिकल जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग होता है, वो वाल के थ्रू भी जा सकता है, तो वाल के थ्रू गामा पार्टिकल्स अंदर की तरफ गया, और यहाँ पर क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपका इनर्ट गैस था, मान के चलिए आर्गन था, ठीक है, तो आर्गन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आर्गन पॉजिटिव में बदल गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन है एक, तो वो क्या हो गया, निगेटिव, क्लियर है बात को। तो ए आर पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन है निगेटिव में, तो ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसका आयनाइजेशन कर रहा है, क्लियर है। तो जब ये आयनाइजेशन होगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और ये पॉजिटिव किस में मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव यहाँ पर जमा होंगे इस वाले प्लेट पे। अब ये मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर लगा हुआ एमीटर ये क्या डिवाइड कर लेगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, यानी आयनाइजेशन हो गया है, क्लियर है बात को। और ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर रीडिंग आती है और तुरंत चली भी जाती है,
ये क्या है हमारा एमीटर। देखिए दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ये प्रोपोर्शनल काउंटर है। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक उसी तरह सब चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, गामा रेडिएशन और अल्फा बीटा पार्टिकल, सब सारा चीज़ वही लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ये बीच में एक इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों आमने सामने थे, एनोड और कैथोड आमने सामने थे, लेकिन यहाँ पे क्या है एनोड और कैथोड, ये कैथोड कहाँ है बीच में है, क्लियर बात को। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट होगा, ये रॉड पे एक्यूमुलेट होगा, क्लियर है, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, क्लियर है बात को। चलिए तो यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज जब यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मिला एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जैसे कि आर्गन था इसमें, तो आर्गन इसमें जब मिल गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, आर्गन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वो फिर से जो है न्यूट्रल हो जाएंगे, आर्गन हो जाएंगे, नॉन रिएक्टिव, क्लियर है बात को। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीगर मुलर काउंटर, तो चलिए देखते हैं जीगर मुलर काउंटर क्या है। तो बेसिकली जीगर मुलर काउंटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग आयनाइजेशन रेडिएशन का मेजरमेंट या फिर डिटेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, वही डिवाइस है, गैस डिवाइस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डोसीमेट्री, रेडिकल, रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, एक्सपेरिमेंटिकल, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं याद करने वाली होती हैं, उन्हें याद ही करना पड़ेगा आपको, कुछ चीज़ें जो होती हैं समझने वाली होती हैं, और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझा दूँ, ठीक है। नोट्स सारे अवेलेबल हैं, आप मुझे कांटेक्ट करके ये नोट्स भी ले सकते हैं, बेसिकली हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, और ये जो है आपको इसको पढ़िएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, सब इजी इजी है। तो यहाँ पर ये डिटेक्ट आयोनाइजेशन रेडिएशन सच एज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, ठीक है, ये रेडिएशन को मेजर करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल और इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग, सारी चीज़ों को एक फिगर के थ्रू हम लोग समझ लेंगे, और प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए, ठीक है। यह प्रिंसिपल था, ये कंस्ट्रक्शन है, ये उसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, फिर यहाँ पर इसका वर्किंग लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चीज़ों को यहाँ से समझ लेंगे अच्छे से, और वहाँ पर जा कर के हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से हम आपको जो है इस यहीं पे समझा दे रहे हैं जीगर मुलर काउंटर के बारे में सारा डिटेल वहाँ हो गया। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पलीफायर एंड पल्स काउंटर, ये क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो कि रेडिएशन को आपका मेजर करेगा, क्लियर है बात को। देखिए आप यहाँ पे कैथोड, यहाँ पर एनोड, इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ से करेंगे, देखिए एनोड से आएंगे और कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये जो मेटेलिक सिलेंडर है, ये मेटेलिक सिलेंडर, ठीक है, ये किसका है बना हुआ है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, निगेटिव चार्ज यानी कैथोड, और बीच में जो इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है जो कि कैसा होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पर एक तरह का क्या लिखा है, इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है, क्यों, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, मेटेलिक सिलेंडर से कनेक्टेड है, जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो
तुरंत ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर क्या लगाया गया है, इंसुलेटिंग मटेरियल, और यहाँ पर भी क्या लगाया गया, इंसुलेटिंग मटेरियल। दोनों जगह क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है कि वो मेटेलिक सिलेंडर से कहीं से कनेक्ट ना हो। ठीक है, बीच में आपका क्या है, आर्गन प्लस इथेनॉल गैस मीडियम है। क्लियर है बात को, 90% आर्गन है, 10% इथेनॉल है। अब यहाँ से आएंगे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है ऐसे पेन देखिए, यहाँ से आएंगे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं कौन से, गामा पार्टिकल्स। क्लियर है बात को, ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा, ये क्या है बीटा, और ये क्या है गामा। क्लियर है बात को, तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स गामा पार्टिकल्स क्योंकि हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं तो वो वाल के थ्रू भी आ सकते हैं। क्लियर है बात को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये, देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो है यहाँ से इंटर कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, आर्गन, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो जैसे कि आर्गन यहाँ पर है, आर्गन, और ये इसमें जब अल्फा बीटा पार्टिकल जब इसका रेडिएशन हो रहा है तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स जब इस पर पड़ रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल्स पड़ा तो मान के लिए आर्गन किस में कन्वर्ट हुआ, आर्गन पॉजिटिव, आर्गन पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ क्लियर है आपको, आर्गन पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज थी, ये निगेटिव पॉजिटिव जो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव की जगह पर क्या है, आर्गन पॉजिटिव, निगेटिव की जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर जो भी टूट रहा था पॉजिटिव निगेटिव में, देखिए यहाँ पर जो भी पॉजिटिव निगेटिव पे टूट रहा था आपका पॉइंट, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाया गया है यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ जाता है, कैथोड की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज किसके तरफ जाता है, एनोड की तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज एनोड के थ्रू ऐसे आएगा और बहुत तेज़ी से यहाँ से यहाँ तक मूव करके यहाँ पर सर्किट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है पूरा, ये पूरा मेटल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ये वाला। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल गैस बन जाएगा। क्लियर है बात को, ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में यही चीज़ को हम लोग क्या लिख देंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे, 1000 से 3000 वोल्ट तक हाई वोल्टेज से लो प्रेशर पे गैस को रखा जाता है, इसमें आर्गन और इथेनॉल के मिक्सचर को रखा जाता है, गैस मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, मेटेलिक ट्यूब होते हैं, एनोड होता है जो कि टंगस्टन इलेक्ट्रॉन का बना होता है, वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, और वहाँ पर क्या लगाया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए और सर्किट कंप्लीट ना हो पाए, और बीच में हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, अब इसका वर्किंग में वही लिखेंगे कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स आते हैं और क्या होते हैं कि फिर गैस का आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन होने के बाद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ, निगेटिव चार्ज कहाँ मूव करते हैं, एनोड की तरफ, और क्या होते हैं फिर वो सर्किट एक कंप्लीट करते हैं, मतलब कि वो एनोड के थ्रू होते हुए एम्पलीफायर एंड पल्स काउंटर में उसको काउंट कर लिया जाता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और वो सर्किट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मेटेलिक वॉल, जो मेटेलिक ट्यूब का वॉल जो है, वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फिर वहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, उनसे रिएक्ट करके क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल गैस बन जाते हैं। क्लियर है बात को। चलिए यही सारी बातें जो है आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में लिखा गया है, इसमें कोई नई बातें नहीं लिखी गई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लगभग 40 मिनट का बन चुका है,
लेकिन ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी डाउट्स आए आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।